अगली अहम खबर आपको देंगे। आम इंतखाबात 2018 के इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली की गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी के वक्त में 5 दिन का इजाफा कर दिया। उम्मीदवार 11 जून तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। 11 जून को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। कागजात की जाँच पड़ताल 14 की बजाय 19 जून तक होगी। कागजात नामजदगी पर अपीलें 22 मई तक दायर हो सकेंगी। अपीलों को 27 जून तक निपटाया जाएगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 28 जून को जारी होगी। इसके अलावा उम्मीदवार अपने कागजात 29 जून तक वापस ले सकेंगे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 30 जून को जारी होगी। मुल्क भर में पोलिंग का दिन 25 जुलाई ही रहेगा। शाकिर अब्बासी से मजीद बात करते हैं। जी शाकिर जी, आम इंतखाबात के शेड्यूल में एक दफा फिर तब्दीली कर दी गई है और नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी का जो वक्त है वो बढ़ा दिया है। स्क्रूटनी के वक्त में 5 दिन का इजाफा किया गया है। उम्मीदवार 11 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं और 11 जून को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त भी का इजरा कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल अब 14 की बजाय 19 जून तक होगी। कागजात नामजदगी पर अपीलें 22 जून तक दायर हो सकेंगी। अपीलों को 27 जून तक निपटाया जाएगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 28 जून को जारी की जाएगी और उम्मीदवार अपने कागजात जो है 29 जून तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का इजरा 30 जून को किया जाएगा और मुल्क भर में जो पोलिंग डेट है वो 25 जुलाई की रहेगी। जी शाकिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका।